press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अगर आप भी हाई वैल्यूएशन प्राइस की चीजों को बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी में वो स्पार्क लाना होगा इसकी वजह से आप इस तरह के लोगों को आकर्षित कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो में। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग अपने करियर को सफल बनाने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं और हम लोग MBA, BBA, आर्किटेक्चर, लॉ, डॉक्टरेट, बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं। प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी क्या उनमें से हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाता है? अगर आप अपने आसपास चारों तरफ देखें तो सैकड़ों की संख्या में लोग हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन यदि सभी डॉक्टर्स को देखा जाए तो चंद ही डॉक्टर अपने फील्ड में सफल हो पाते हैं जिनका नाम आपके क्षेत्र में नामी गिरामी डॉक्टर्स में गिना जाता है। उनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स MBBS भी होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी या तो वो छोटा सा क्लिनिक चला रहे होते हैं या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरह से हजारों की संख्या में विद्यार्थी लॉ कंप्लीट करते हैं और वकील बनते हैं, लेकिन उनमें से चंद वकील ही अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम और मुकाम हासिल कर पाते हैं। और जो लोग अपने क्षेत्र में हाई प्रोफाइल गिने जाते हैं उन डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स की भरमार होती है, उन एडवोकेट्स के पास क्लाइंट्स की भरमार होती है, लेकिन बाकी सभी प्रोफेशनल्स अपनी सामान्य आय कमाने में भी सक्षम नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? जब इन कारणों का अध्ययन किया गया तो पता लगा कि बहुत सारे ऐसे सामान्य रहस्य हैं, यदि आप उन रहस्यों को जाने तो आप भी अपना नाम उन बेशुमार लोगों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप भी इन रहस्यों को समझ लें तो बहुत आसानी से मार्केट को लीड कर सकते हैं। और ऐसे चंद सफल लोग कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को वैल्यू नहीं देते बल्कि उसकी वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो हमेशा बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। अगर आप भी हाई वैल्यूएशन प्राइस की चीजों को बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी में वो स्पार्क लाना होगा जिसकी वजह से आप इस तरह के लोगों को आकर्षित कर सकें। आपको अपने लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे, आपका ब्रांडेड सूट, आपकी ब्रांडेड वॉच, आपका ब्रांडेड गॉगल, आपका ब्रांडेड पेन और वो सारी चीजें और वो सारी एक्सेसरीज जो आपको एक लग्जरी लुक देती हैं। ऑलवेज एक्सप्रेस योरसेल्फ एज अ ब्रांड। आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करते हैं उसको हमेशा अपने मन में एक ब्रांड का रूप दें और उस ब्रांड को सेल करने के लिए जब आप बाजार में उतरेंगे तो आपको सफलता के चांसेस कई गुना अधिक प्राप्त होंगे। टारगेट हाई प्रोफाइल एंड रिच पीपल। अगर आप अपने प्रोडक्ट को हायर वैल्यू पर सेल करना चाहते हैं तो हमेशा एक लक्ष्य बनाएं कि आपके जोन, आपका एरिया या आपकी स्टेट के हाई प्रोफाइल पीपल को मैं अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करूंगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसी संस्थाओं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे समूहों का निर्धारण करें जहां पर आपको हाई प्रोफाइल पीपल मिल सकते हैं। द हाई प्रोफाइल पीपल ऑलवेज लव टू बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट। इसीलिए हाई प्रोफाइल पीपल प्राइस की जगह वैल्यू को फोकस करते हैं और जब भी आप हाई प्रोफाइल पीपल्स को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएं तो आपका सारा फोकस आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, आपकी ब्रांड की वैल्यू, ब्रांड की पावर, उसके बारे में होनी चाहिए। फोकस ऑन हाई क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। जितने भी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो हमेशा वैल्यूएबल प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं, इसीलिए आपका फोकस भी हमेशा हाई क्वालिटी पर होना चाहिए। जितना ज्यादा आपका ब्रांड क्वालिटी कॉन्शियस होगा उतने ज्यादा हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के साथ आप आसानी से डील कर पाएंगे। यूज द ट्रायल क्लोज। जितने भी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हाई क्लोज को स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज जो लग्जरी प्रोडक्ट बनाती हैं वो लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड क्वांटिटी, वैल्यू एडिशन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती हैं जिसकी वजह से वो क्लाइंट उन प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिवली खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉर द गुड बिजनेस द लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। यदि आप बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के साथ डील करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस का, आपके ऑफिस का, आपके शोरूम का लोकेशन बहुत प्राइम और स्टैंडर्ड एरिया में होना चाहिए। तो कभी भी सस्ती या घटिया क्वालिटी की एडवर्टाइजमेंट पर फोकस ना करें। ऑलवेज ट्राई टू एडवर्टाइज योर बिजनेस इन हाई प्रोफाइल नेटवर्क। और आप जानते हैं
जो दिखता है वो बिकता है। इसका मतलब यदि आप हाई प्रोफाइल क्लाइंटेज के साथ डील करना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले हाई प्रोफाइल क्लाइंटेज के साथ ही किया जाना चाहिए। सेल अलॉन्ग साइड अनदर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। आप जिस भी तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं वो जितने भी लग्जरी क्लाइंट्स के लिए हैं, ठीक वैसे ही संबंधित प्रोडक्ट आप अपने प्रोडक्ट के साथ एड ऑन करें, जिसकी वजह से जब एक क्लाइंट एक तरह के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आए तो दूसरे प्रोडक्ट से भी आकर्षित हो, या जब वो क्लाइंट दूसरे तरह के प्रोडक्ट खरीदने आए तो आपके प्रोडक्ट से भी आकर्षित आसानी से हो सके। स्प्रेड योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन डिफरेंट ऑप्शंस, लाइक कैश ऑन डिलीवरी, लाइक पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड, लाइक पेमेंट विद ईएमआई फैसिलिटीज, पेमेंट विद बैंक ट्रांसफर, एंड इन शॉर्ट ट्राई टू एक्सेप्ट ऑल पेमेंट मोड्स। एड अ वाव फैक्टर इन योर प्रोडक्ट। अगर आप अपने क्लाइंट को कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दें, जिससे आपके क्लाइंट को एक वाव फैक्टर फील हो। एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू डेवलप द नेटवर्क ऑफ हाई प्रोफाइल क्लाइंट, ऑलवेज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन हाई प्रोफाइल मीटिंग्स, हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस, हाई प्रोफाइल क्लब्स। और जब आप अपने एचएनआई क्लाइंट्स के साथ डील करें तो कोई भी ऐसा प्रभाव ना छोड़ें जिससे आपकी छवि धूमिल हो जाए, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटर का नाम लेकर नेगेटिव बातें ना करें। अगर आप मेरी इन सभी बातों को फोकस करते हैं तो बहुत आसानी से आप एचएनआई क्लाइंट्स के साथ हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट को आसानी से डील कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो आप चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें, और उसके अलावा यदि किसी भी विषय पर आप ट्रेनिंग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैंने जो आपको आपके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को सेल करने के जो पॉइंट्स बताए हैं, इसके अलावा यदि आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चंस या पॉइंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट जरूर करें। फ्रेंड्स, मेरे इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो का उद्देश्य है कि भारत के हर घर से हम एक सफल बिजनेसमैन तैयार कर सके, ताकि आने वाले समय में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके। जय हिंद, जय भारत।